हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और आज जीतिया त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को। मैंने वीडियो में देखा, बिहार के लोग बहुत अच्छे करते हैं। हम लोगों में ऐसा नहीं होता, हम लोगों में ऐसे खीर पूड़ी बनाते हैं, ये सब धूप देते हैं। और हमारे इसमें ऐसा है, नियम सबके अलग अलग रहते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा नियम है कि जैसे हमारे यहाँ कोई भी बुजुर्ग लोग जो चले गए हैं दुनिया से, तो फिर उनके लिए क्या है, जैसे गया जी गए हैं वहाँ पे उनको जाते हैं, वहाँ पे तर्पण करवाते हैं। उसके बाद में फिर हमारे यहाँ पे फिर उनको वो नहीं किया जाता, क्योंकि वो भी जन्म ले चुके होते हैं दूसरी जगह जाके। तो ऐसा रहता है। और जैसे हमारे यहाँ पे पंचमी की होती है, नवमी की होती है, तो हमारे यहाँ पे खीर पूरी का ज़्यादा महत्व है हम लोगों में। तो उधर का मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा। रात में उठ के इन्होंने बिल्कुल नाइट में सब खाना पीना इन्होंने शाम को बना के रख दिया, फिर सुबह सब अच्छा लगा। अब चलो देखती हो, देखो मौसम कैसा हो रहा है। पानी आ रहा है, 3 दिन से आया, कल नहीं आया था, परसों के दिन आया था। मैंने वीडियो भी बनाया था, आपको दिखाया था, बहुत सारा पानी आ रहा है। बारिश हो रही है, अब के बाद बारिश ज़्यादा हो रही है। बारिश ऐसा क्या बीच में रुक गई, फिर वापस होने लगी। घर में अभी हम अकेले हैं, भाई ऊपर रहता है। ऊपर क्यों रहता है, वो कंप्यूटर पे काम करता है थोड़ा बहुत घर से, वो ज़्यादा बाहर नहीं जाते हैं बड़े सुपुत्र हमारे। इसकी वजह से वो यहाँ घर पे रहता है ना, अच्छा भी लगता है मुझे, नहीं तो अच्छा नहीं लगता है। सब चले जाए, और हमारे हस्बैंड और हमारे छोटा भैया, हम तो छोटे भैया ही बोलते हैं हमारे बच्चों को, बड़े हो गए तो वो ऐसा लगता नहीं। माँ के लिए तो छोटी ही, अभी शादी ब्याह नहीं कि हम नहीं, अभी इन लोगों के लिए लड़कियाँ देखना है, मिल जाए अच्छे से वो हमारे घर आ जाए, सब संभाल ले घर। हम भी थक जाते हैं, संस्था जाते हैं, फिर आते वो थक जाती है। चलो बने रहना ब्लॉग में, आगे आगे देखना। आज मैं नहीं बना रही थी ब्लॉग, पर मैंने कहा चलो बना रही थी, थोड़ा सा ही बनाऊंगी। हाँ, ये काम के डिनर की तैयारी में, जैसे कि मैंने चावल सुबह बनता है, पर हमारे यहाँ सुबह चावल नहीं बनता है। हमारे यहाँ पे चावल में ना अभी बनाती हूँ, शाम को दाल चावल बनाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, इसको 2 घंटे 3 घंटे पहले उस दाल को अरहर की और मूंग की दाल दोनों मिक्स करके उसको मैं गला देती हूँ। गलाने के बाद में बताऊँ, अच्छी गल जाती, फूल जाती तो बहुत अच्छे से बनती है, नहीं तो वो इतनी अच्छे से नहीं बनती है, अच्छे से बिल्कुल नहीं बनती है। चलो नीचे अगर सूखूंगी तो वहाँ कपड़ों का ढेर लगा है किचन के, अभी तो ऊपर कपड़े डाल नहीं सकते। वैसे कल तो देखो कपड़े सूख गए थे हमारे, दो ही घाटे बोलती हूँ। और अभी थोड़ी देर सो गई है, मोबाइल चलाया तो सब देखा, अभी थोड़ी खास से कुकर लग रहा है हमारा, चाय नहीं लगेगा। मोबाइल में गया अंदर, बनाती हूँ मैं वीडियो, परंतु चलते नहीं ना तो बहुत बुरा लगता है। वीडियो क्यों नहीं चलती है इसलिए। और मैं तो ये सूट 2-3 ही वेयर करती हूँ, मैंने घर पे ज़्यादा नहीं। बाकी देखो साड़ियाँ रहती हैं, ज़्यादा सूट नहीं पहनती, जैसे हम बाहर जाते तो सूट नहीं पहनती, साड़ी वेयर करना पड़ता है इसकी वजह से। वो ज़्यादा लेके भी क्या करें, पहना जाता है हमारे इसमें, पर हमने कभी पहने नहीं ना शादी के बाद ज़्यादा। हम क्या, मैं पहन लेती हूँ जैसे
यहाँ बड़े बुजुर्ग नहीं रहते हैं, इसकी वजह से सूट डाल लेती हूँ। देखो कमाल धमाल कर दिया मैंने, हाथ से बात करते करते लगा दिया। अब मुझे बना हमें मुझे करना है बर्तन साफ, बर्तन साफ करना है। थोड़े से बर्तन डालिए, बर्तन साफ कर लेती हूँ। ज़्यादा नहीं, शाम के डिनर की तैयारी करना है। ज़्यादा नहीं करना, मैं दाल चावल बनाऊंगी, दो रोटी तो रखी हुई थी, इसलिए सब बच्चे वगैरह आप जाओ एक बार खा लेंगे, मैं इसमें ज़्यादा कोई खाना नहीं खा। नाश्ता भी कर लेते उसके बाद में टिफिन भी ले जाते थे, ज़्यादा भूख नहीं लगे। चलो ठीक है, ब्लॉग में बने रहना। कल का दूध रहता है जो इतना पूर जाता है, अभी हमने चाय रख दी, हम रख दी बोलते उधर लोग बिठा दिया है ऐसा बोलते हैं, अच्छा लगता है। अब मुझे सब करी डिब्बे में जमाना है, इसमें से निकाल के इसमें कल मैंने ये सारा ये वाला अच्छे से, हमारे यहाँ काकरोच बहुत हो गए, अब इसमें मैं शक्कर जमा देती हूँ। ये करीब करीब 5-6 किलो है, इसको ऐसे काट देती हूँ, खुलेगा नहीं घास से बिल्कुल भी। पनीर को मैं कर देती हूँ ऐसे कैंची से काट देती हूँ, तो दिक्कत होती थी निकालने में। चलो ठीक है, बने रहना आगे ब्लॉग में। और अभी भी थोड़ा सा किराना बचा हुआ है, मंथूर बुलवाना है। गाइस अगर आप कमेंट कर कभी शेयर करिए मेरे ब्लॉग को अच्छे से, अब तो सब्सक्राइब भी कभी कभी एक एक कम हो जाता है, क्या पता क्यों। अब तो छोटा सा ही ब्लॉग बनाऊंगी, मेरा सिर भी बहुत ज़्यादा ही दर्द होने लग जाता, रात को ना नींद नहीं हुई पूरी, क्या पता क्यों। गाय के लिए कभी कभी 2-4 दिन में मेरी नींद खुल जाती, फिर नींद नहीं आती, फिर तो फिर भी मेरा बहुत। अभी सुबह से क्या रहता है मेरा, तो ऐसा रहता है बिल्कुल जाना ही रहता है संस्था में, तो फिर वो ही करीब 1:30-2 बजे आओ, और फिर वही दोपहर में हाँ मैं करीब करीब मुझे बहुत शौक है ब्लॉग देखने का, मैंने पहले भी शेयर किया भारती सिंह का ब्लॉग देखती हूँ रोज डेली। और हाँ ये मनीषा सचिन भैया, फिर उसके बाद प्रिंस रंजना, उनकी मम्मी अप्सरा मम्मी सब कुछ हाँ, ये उसके बाद में उनकी बिटिया रानी जो बेंगलोर में है उनका ब्लॉग देखती हूँ मैं, उनकी भैया खाना गुड़िया उनकी, और उसके बाद में अंशु का और शुभम तो उनके मिस्टर है ना, उन लोगों के भी ब्लॉग देखती हूँ, इतने ब्लॉग रोज डेली देखती हूँ। और एक एपिसोड देखती हूँ मंगल लक्ष्मी जो बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा आ रहा है, उसमें भी पति देव का बताते हैं कितना धोखा देता है मंगल को, क्यों देते हैं मर्द हम क्यों धोखा देते हैं लड़कियों को, लड़कों को सॉरी महिलाओं को, पति देव हूँ क्यों कष्ट देते हैं अपनी पत्नियों को, अच्छे से मिल के रहना। अब हमें ब्लॉग बंद करना पड़ेगा क्योंकि हमारे हाथ से नहीं खुल रहा है। बने रहना, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना ना भूले, मेरे वीडियो को आगे बढ़ाइए। चलो बाय बाय, सी यू, ओके।